क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, इसी तरह से फैक्टर्स बने हुए फ्रैक्शन फॉर्म में, और हम लोगों ने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर वन से। 144/225 सिंपल सॉल्यूशन इक्वल के साइन के साथ टेकिंग स्क्वायर रूट। अब 144 को और 225 का स्क्वायर रूट हमने डिवीजन मेथड से सेपरेट सेपरेट कर लिया, राइट हैंड साइड की तरफ से पेयर बना लिया, वन बचा, वन वन ज़ार वन, माइनस किया कुछ भी नहीं बच गया, 44 और पेयर नीचे ले आए, वन डबल हो के टू हो गया। अब जो डिजिट यहाँ पे आएगा वही ऊपर आएगा, 22 2 ज़ार 44, माइनस किया ज़ीरो आंसर आ गया। ऊपर हमारे पास क्या आया 12, वो यहाँ पे आ गया। अब 225 का करते हैं, 25 वाला पेयर बन गया, वन वन ज़ार वन। अब इसको हम 2 1 ज़ार 2 नहीं लिख सकते, 2 2 ज़ार 4 आएगा, या 3 3 ज़ार 9 आएगा, 1 1 ज़ार 1 आएगा, ठीक है, सेम डिजिट होने चाहिए। 1 1 ज़ार 1 माइनस किया, 1 बच गया, 25 वाला पेयर नीचे उतारा, ये 1 डबल हो गया, ठीक है, 125 रिक्वायर्ड है, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125 आंसर आ गया। अब यहाँ से 12 आ गया, यहाँ से 15 आ गया, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 12/15। नेक्स्ट एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो वो होल में है उसको कर लेते हैं। 5 होल 41/64 इक्वल के साइन के साथ वैसे लिख लिया। अब 64 5 ज़ार और 41 इसमें ऐड कर लिए, 361/64 स्क्वायर रूट लिया, 361 का सेपरेट, 64 का सेपरेट। 64 का तो आप लोगों को वैसे ही फिंगर टिप से 8 8 ज़ार 64 आ गया। अब 361 था, 61 का पेयर बना लिया, 1 1 ज़ार 1, 2 बचा, 61 नीचे आ गया, 1 डबल हो गया, 2 29 9 ज़ार 261, क्या आंसर बचा, 19/8। अब क्वेश्चन होल में पूछा गया तो आंसर भी होल में डिवाइड किया, 8 2 ज़ार 16, 3 बचा, तो 2 होल 3/8 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी सेम इसी तरह से आप लोगों ने उनको करना है।